बकरीद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसके संबंध में एडीएम सचिव राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक भी की गई थी और उनसे अपील किया गया था कि त्योहार को शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ मनाए और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करें। एडीएम सचिव राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मस्जिदों के आसपास साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। एडीएम सचिव ने लोगों से अपील किया है कि त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक माहौल में सौहार्द के साथ मनाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिला प्रशासन आपके साथ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सचिव राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, सर कल बकरीद का त्यौहार है, क्या गाइडलाइन जारी किया गया है? कल जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर SSP गोरखपुर की अध्यक्षता में एक बैठक शांति समिति की ईद की कमेटियों की कर ली गई है और उसमें सफाई के लिए नगर आयुक्त साहब को DM सर ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जानवरों के बचे हुए अवशेष को ढककर ट्रॉलियों में शहर से बाहर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सड़कों पे नालियों में चूना डाला जाएगा। सफाई की व्यवस्था ईदगाह मस्जिदों में की गई है और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस हर स्तर पर और मजिस्ट्रेट हर स्तर पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से त्यौहार की खुशियों में कमी ना आने पाए। सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। सर कौन सा धारा कोई लागू किया गया है? कि धारा 144 लागू है तो उसका भी पालन करें लोग। 5 से ज़्यादा इकट्ठे एक जगह ना हो, लेकिन कोविड के रूल्स के हिसाब से शासन के एक समय में 50 लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं।